ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैनी। दोस्तों, आप लोग जब फोन पे लॉगिन करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अनेबल टू पोर्सेज, जिसकी वजह से आप लोग अपने फोन पे अकाउंट की क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग मैं दिखा देता हूँ आखिर ये प्रॉब्लम कैसे आता है। सिंपल, मैं होम पेज पे आता हूँ। जब हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, इसका प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मैं रीट्राई करता हूँ बार बार, फिर भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यदि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को सिंपल करना क्या है, सबसे पहले इसे हमें स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ पे दो मेथड पे बात करेंगे हम, फर्स्ट और सेकेंड, और इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, सेकेंड नंबर ऑप्शन पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सिंपल आपको लॉन्ग वेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है लाइक और डिसलाइक का। सिंपल यहाँ पे लाइक पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्टिव माय अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है आपका, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इमेज सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट गेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP आपको फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। इसके बाद OTP फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट हेल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीजन। तो हमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है। टू प्रोसेस का प्रॉब्लम आ रहा था, अनेबल टू यूज फोन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें अनेबल टू लॉगिन, यानी कि लॉगिन करते समय प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो हमें लॉगिन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। जो हमने स्क्रीन शॉट लिए थे उस फाइल को हमें अटैच करना होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टाइप करना है क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है लॉगिन करते समय। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा क्या क्या टाइप करना है, अपने हिसाब से भी वहाँ से भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कर दिए हैं अनेबल टू लॉगिन फोन पे, आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू टिकट पे क्लिक करना है। एक टिकट नंबर जारी हो जाता है। इसके बाद 3 से 4 वर्किंग डे में यह प्रॉब्लम आपको देख शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और सेकेंड नंबर की बात करते हैं, पर इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद फोन पे ऐप पे प्रेस करके रखना है। इसके बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लियर कैच कर देना है। इसके बाद इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से हमें फ़ोन पे ओपन करना है और मोबाइल नंबर फिर से आपको टाइप करना है। तो मैं फटाफट टाइप कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे फ़ोन पे OTP आता है या फिर नहीं आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTP आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पे हमारा चालू भी हो गया है। कुछ इस तरह के एरर आता है तो इस तरह के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दो मेथड में से एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। यदि सेकेंड वाले मेथड वर्क नहीं करता है तो फर्स्ट वाले मेथड सेलेक्ट करना है। पहले आपको सेकेंड वाले मेथड अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।